नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। 25 तारीख से जम्मू के पत्नी टॉप इलाके में एक मानसून फेस्टिवल जो है उसे ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। हालांकि अगर मानसून फेस्टिवल की बात करें तो मानसून फेस्टिवल मानसून्स में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के फेस्टिवल्स, इस तरह की टूरिज़्म साइट्स जो हैं, टूरिस्ट साइट्स जो हैं, वहाँ पर इस प्रकार के फेस्टिवल्स तभी अच्छे लगते हैं जब टूरिस्ट आ रहा हो। अब अगर बात करें मानसून फेस्टिवल की, तो मानसून कब का ख़त्म हो गया, इवन अब सर्दियों का मौसम आ चुका है। धीरे 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 दिन ब दिन सर्दियाँ बढ़ रही हैं। सेकेंडली, इस वक्त जम्मू में टूरिज़्म भी नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, ना के बराबर हैं। थर्डली, बच्चे जो हैं उनके पेपर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में एक मानसून फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है, और उसमें ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म वाले पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर। लेकिन इसमें एक और मेन स्टेक होल्डर हैं जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ टूरिज़्म फेडरेशन ऑफ जम्मू की, और उनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अभय बकाया वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभय जी, स्वागत आपका द फोर्थ स्टेट। नमस्कार जी। नमस्कार अभय जी। सबसे पहली बात, मानसून फेस्टिवल सुन के ही हंसी आती है कि मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया। बिल्कुल, मानसून फेस्टिवल इन्होंने अब ऑर्गेनाइज़ किया है। आखिर क्या इतनी जल्दी थी कि इतनी जल्दी में इनको मानसून फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा? हालांकि ये फेस्टिवल कुछ दिन रुककर, जब श्राद्ध ख़त्म होते, नवरात्रि का सीज़न आ रहा था, उस टाइम पर नवरात्रि के साथ जोड़कर इसको शुरू किया जा सकता था। क्या लगता है आपको, इतनी जल्दी क्यों हुई इसमें? देखिए, ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि मानसून फेस्टिवल आफ्टर कंप्लीटिंग, मानसून ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद आज मानसून फेस्टिवल किया जा रहा है। और अचंभे की ये बात है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। जो इंटेलेक्चुअली सारे सिस्टम को जानते हैं, सारी प्लेसेस को जानते हैं, और जो इनपुट देते आए हैं, उन सबको निगलेक्ट करते हुए आज ये मानसून सीजन फेस्टिवल किया है, जबकि मानसून ख़त्म हो गया है, और किसी को ऑन बोर्ड ना लेके ये एक बड़ा अजीब सा समारोह हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, जम्मू पिछले 2 साल से देख रहे हैं, वैसे ही टूरिज़्म जो सेक्टर है सारा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी टूरिज़्म ट्रेड से बिलोंग करते हैं, उन सबकी कमर टूट चुकी है। अब आज प्रमोशन की जा रही है, और इस प्रमोशन से किसको फ़ायदा होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ऐसा प्रमोशन हुई है, जब जो एक जगह प्रमोट आप कर रहे हैं उसमें आप स्टेक होल्डर्स को नहीं ले रहे हैं, बाहर से कोई जो ट्रेड ट्रेड से बिलोंग करता है उसको नहीं ला रहे हैं, किसको प्रमोट करना चाह रहे हैं आज, वहाँ पर किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये तो खाना पूर्ति लग रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। या तो ये फंड लैप्स हो रहे थे, या उसको फंड्स को करने के लिए भी एक इवेंट कर दिया जाए, वैसा हो रहा है। जल्दबाजी में हेड काउंट्स के लिए कर दिया गया, किसके प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, जब जो बंदे वहाँ पे जाएंगे नहीं। मेन आप देखिए, आप मेरे ख्याल से तो जब वहाँ पे जो इनर रोड बनी है उसकी हालत बहुत बुरी, ख़राब, बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे खड्डे हैं। आपने इस रोड की बात की है, तो जानकारी के लिए बता दूँ, जब हमारी टीम वहाँ पहुँची थी तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो रोड्स हैं ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है, और जो हमारे डिवकॉम साहब हैं उनको पडोरा रोड से लाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हमारे ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं दिखाई जाती है। आप देखिए, जम्मू में आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जम्मू को हमेशा ये जो जम्मू के मेन प्रोजेक्ट्स हैं, हमेशा उनको उन पर सही तरीके से सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है। पत्नीटॉप हमारी एक वेल नोन डेस्टिनेशन है, और उसकी हालत देखिए आप, सड़क की जो एक मेन इनर रोड है उसकी हालत देखिए, वहाँ पर सड़क ढूंढनी पड़ती है, आपको खड्डों से निकलना पड़ता है, और उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फंड्स की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जम्मू के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या फिर लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं लिया जाता? आज देखिए, आप मैं आपको बताऊं, जम्मू में हमारे जो प्रोजेक्ट्स, जम्मू का मेन प्रोजेक्ट लेके चलिए, आप साबरमती की प्रोजेक्ट की बात करें, हम साबरमती प्लवाटन पर हमारे को यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनानी है, आज वो कहाँ पर आर्टिफिशियल लेक है, वो कहीं दिखने को नहीं है। आर्टिफिशियल लेक छोड़िए, हमारा मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट है, उसे हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो देखिए आप हेरिटेज संवारते हैं कि उसको कमर्शलाइज करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाहते हैं। और जम्मू में आप देखिए, जम्मू में लाइट एंड साउंड की आपने सुना होगा कि बाहू फोर्ट में लाइट एंड साउंड बनने वाला था, 4 साल हो गए, 7 महीने का उस पर डेडलाइन था, आज 4 साल हो गए कुछ नहीं बना है, ऐसा क्यों होता है? कश्मीर में तो शुरू हो गया डल लेक में, बिल्कुल जी, वहाँ पे तो क्रूज स्टार्ट हो गया। ये डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ये है, जम्मू में ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सकते। हमारे पास स्नो है, हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे पास लेक्स हैं, हमारे पास मिडोज़ हैं, हमारे पास वैलीज़ हैं,
और उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पा रहे। आप भदरवाह देखिए, भदरवाह इतना ब्यूटीफुल है, भदरवाह की जो हमारी चिनाब वैली इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की विदाउट हम प्रमोट ही नहीं कर पाते हैं उसको। क्यों ऐसा होता है? आप देखिए, फिल्म पॉलिसी बनती है, फिल्म पॉलिसी वहाँ से बनती है, लोग कश्मीर आते हैं, कश्मीर में फन एंड फेयर से किया जाता है, उसमें जम्मू के स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया जाता है। क्या सिर्फ वो कश्मीर पॉलिसी जो बनी है वो कश्मीर को प्रमोट करने के लिए बन रही है? आप स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो आप भी, टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू जो है वो भी इसमें एक मेन स्टेक होल्डर थी, और वाइस प्रेसिडेंट है उसके, आपसे भी जो है इस बारे में बात नहीं की गई और आपको भी साइडलाइन कर दिया गया, और इस प्रकार से बारो बार जो है इसे शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए मानसून फेस्टिवल को, मानसून फेस्टिवल देखिए, आप हमने पहले इस बारे में बात की, मानसून फेस्टिवल का ये टाइम बिल्कुल नहीं था। जैसे आपने कहा कि नवरात्रे आ रहे थे, इसको कंबाइन करके पर एक अच्छा सा इवेंट और अच्छी तरीके से किया जा सकता था। देखिए, जब ऐसे इवेंट होते हैं, वो इवेंट इसलिए किए जाते हैं कि वो लोकेशन प्रमोट हो। आप वो लोकेशन कैसे प्रमोट होगी जब टूरिज्म जो टूरिस्ट है नहीं और स्टेक होल्डर्स है नहीं, आपने बाहर से किसी ट्रेड वालों को बुलाया नहीं है कि जो आए देखे जगह और अपनी जगह जाके लोगों को प्रमोट करें, तो किसके लिए किया जा रहा है? मैं तो यही समझता हूँ, इट्स आई वॉश, ये या फंड इनके लैप्स हो रहे होंगे या क्या हो रहा होगा, उस चक्कर में इन्होंने किया, अदरवाइज अभी कोई सेंस नहीं बनती थी मानसून फेस्टिवल करने की। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू में, जिस प्रकार से आप खुद कह रहे थे, यहाँ साबरमती लेक की तरफ पर जो आपने हमारी यहाँ आर्टिफिशियल लेक बननी थी, अब हमारी हेरिटेज है मुबारक मंडी, इतनी बड़ी हेरिटेज है हमारी, उसको उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से, मैं बहुत सालों से वहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर, वहाँ की हालत वैसे की वैसी ही है, और अब उसे प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, होटल बनाने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, बहुत दुखित सीन है। आप कहीं भी आप देखिए, जहाँ पे भी हेरिटेज साइट्स होती हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको एक टूरिज्म के माध्यम से प्रमोट किया जाता है एज हेरिटेज साइट, ये नहीं कि उसको होटल बना दिया जाता है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ, इनको कौन एडवाइजर्स हैं, ये किनसे एडवाइस लेते हैं? यही जैसे मैंने आपका कहा, जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, जो इंटेलेक्चुअली इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, जो इनपुट्स देते हैं, उनको आज क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? उसमें हमारी बॉडी भी आती, काफ़ी बॉडी जम्मू की जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी एसोसिएशंस हमारी है, आज उनसे नहीं पूछा जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो ऐसे करके जस्ट सामने बैठ जाते हैं, चार पाँच लोगों को नंबर हेड अपना पूरा करके और उस पर काम करे जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए, जम्मू को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए ये हमेशा से ऐसा रहा गया। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब आते हैं, एक डायरेक्टर साहब का टेन्योर जो होता है वो 2 साल के लिए कम से कम, आप देखिए कोई अफसर आता है 2 साल का भी रखता है, यहाँ आप पिछले 2.5-3 साल में देखेंगे कम से कम 22-23 डायरेक्टर चेंज हो गए। एक डायरेक्टर को 3 महीने का टाइम दिया जाता है, वो उस 3 महीने में डिपार्टमेंट को समझेगा, वर्किंग समझेगा कि काम करेगा, वो क्या करेगा, वो डिलीवर नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? और जम्मू, आज हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, आज आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं, मेरे को आप बताइए जम्मू के प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एक फन फेयर बड़े उससे हुआ है, इंटरनेशनल योगा सेंटर खुलेगा मानतलाई में, कहाँ है आज वो? आज कोई बात कर रहा है? कोई पूछ रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ? क्यों ऐसा होता है? हम तो बहुत अफसोस हो गया, हम हर प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, हम पत्नीटॉप की बात कर रहे हैं, आज पत्नीटॉप को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? पत्नीटॉप इतनी बड़ी जगह है, इतना ब्यूटीफुल है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। आज आप पत्नीटॉप जाके 5 बजे के पत्नीटॉप डेड हो जाता है, वहाँ पे आप क्या करोगे? अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, वहाँ आप कमरे में बैठने के लिए जा नहीं रहे हो। अगर पत्नीटॉप वहाँ पे है, हमारा इतना वास्ट कल्चर है, वहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स हों, एक्टिविटीज़ हों, वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगे, जो स्ट्रीट मार्केट लगाएंगे उनका भी रोजगार चलेगा और लोगों को देखने के लिए कुछ होगा, तो लोग अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्शन होगी, कुछ होगा, लोग आएंगे। जस्ट ऐसे ही करने से, बिना बात के फंडिंग आती है और उसको फंडिंग को ऐसे ही यूज़ किया, मेरे ख्याल से शेयर वेस्टेज ऑफ मनी है। और दूसरा, आप देखिए यहाँ पे जो मार्च होते हैं, हमारे ट्रैवल मार्च जो कराते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उसमें हम क्या सेल करते हैं? वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। और वो किस लिए मार्ट होता है? वो जब मेरे को वो सिर्फ एक अलॉटमेंट है वैसे कि हाँ जी मार्ट करवाना है, वो मार्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जो भी कोई इवेंट होता है उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। आप भी आप मानसून फेस्टिवल की बात करें, इसका मेरे को बता दीजिए, इनसे पूछिए आप, इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है? जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये एक सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी जम्मू को, हमको अगर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन, तो ये सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से आनी पड़ेगी, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्हें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैसेज हालत हमारे जम्मू की है वो ठीक नहीं होगी। टूरिज्म प्रमोट करने की बात की जाए तो बन्नी बसोली का एरिया है जी, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, आप पुंछ रजौरी वाली साइड चले जाए, वहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं। इवन कि भदरवाह की अगर बात करो तो मैं खुद भदरवाह में था पिछले दिनों, और वहाँ की इतनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस हैं,
मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों उसको मिनी कश्मीर के साथ, मिनी कश्मीर उसका नाम क्यों देते हैं। मैं वो इनफैक्ट मेरे मुँह से भी निकला, बट अब हर जगह सुन सुन के ये चीज़ें की आदत हो गई। बट कहीं ना कहीं मिनी कश्मीर नहीं कहूँगा मैं उसे, भद्रवाह अपने आप में एक रियल ब्यूटी है। उसको प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर को आज प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर ऑलरेडी एक वर्ल्ड नोन डेस्टिनेशन है, और कश्मीर को प्रमोट करने की मुझे लगता है आजकल ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कश्मीर ब्यूटीफुल है, कश्मीर में लोग आते हैं, कश्मीर तब से प्रमोट किया जा रहा है। जो प्रमोट करने की ज़रूरत है वो जैसे वो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उसी में एक भद्रवाह आती है हमारी, भद्रवाह हो गया कि आप देखिए, भद्रवाह इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ पर सब कुछ है, आपके स्नो भी है, आपके वाटर बॉडीज़ भी है, आपके मीडोज़ भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर ये हमारा एक सवाल है जन, कि इतने सालों से ये चीज़ें प्रमोट क्यों नहीं हुई। आपको भद्रवाह की बात की, मैं आपको बताता हूँ, आप पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किश्तवाड़ में, आप जानते नहीं जानते, किश्तवाड़ में नेशनल पार्क है। जहाँ पे नेशनल पार्क होता है, आप सोचिए वहाँ के तो आजू बाजू के नक्शा चेंज हो जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ जम्मू के साथ, जम्मू को प्रमोट नहीं किया गया। और जहाँ पे हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जम्मू का खत्ते में इतनी ब्यूटी है, इतना, आप पीर पंचाल की बात की, वहाँ पे देखिए हमारे पीरों का वो एरिया है, सूफी एरिया है, वहाँ पे हम उसको तरीके से रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर बना के प्रमोट किया जा सकता है, पर वो नहीं हो रहा है। और जो बेसिक हमारे यहाँ पे जम्मू के हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे। शुक्र कीजिए आप, ये हमारा गंडोला बन गया है यहाँ पर, ये बड़ी मेहरबानी है, इतने डिले के बाद ये बन गया है। अब इसे कितना हम प्रमोट कर सकते हैं और इससे कितना हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। बट ये चीज़ें हमारे को देखिए नहीं करता तो ये बड़ा एक दुख होता है, क्योंकि हम इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं और इस सेक्टर में हमने अपने 15-20 साल दे दिए हैं। तो और उसके बाद भी जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए खासकर इस खत्ते में, वो नहीं हो रही है, तो बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का। सर, इतना सारा हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी घूमने फिरने की जगह है, काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म को बूस्ट मिल सकता है, आपको लगता है कहाँ कमी ऐसी है, किस जगह पे ऐसी कमी जो है सरकार के अंदर है जो इन जगहों को डेवलप नहीं किया जा सका अभी तक? देखिए, अब मैं सरकार पर जाऊंगा तो ये पॉलिटिकल डिबेट बन जाएगी, मैं चाहता नहीं हूं मैं उस तरफ जाऊं, पर मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जम्मू को प्रमोट ना करने की एक विल रही है, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि जम्मू में हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो उसको इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बना सकती है और अच्छी तरीके से बना सकती है, पर हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता, रोड कनेक्टिविटी, वो हम एज स्टेक होल्डर्स नहीं दे सकते, वो सरकार ने देनी है। हम लोग उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं जो वहाँ पर होगी, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, आप देखिए, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने देना, वो सरकार ने देना। और इतने साल इन जगहों को प्रमोट क्यों नहीं किया गया, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसी वजह से, मैं बीच में सरकार का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हुआ इन चीज़ों की वजह से, ताकि पता चल सके आपके मन में क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर। देखिए जी, मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी आज, अब आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा आपसे, जो जिन्होंने अभी तक रूल किया है, इतने सालों रूल किया है, उन्होंने जम्मू को टूरिज़्म सेक्टर पर उठने नहीं दिया, और ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे बड़ी हैवी हार्ट से कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए, माता वैष्णो देवी हमारी एक बहुत बड़ी तीर्थ है, यहाँ पे एक करोड़ से ऊपर लोग आते हैं, और हम इससे अगर 2% या हम, मैं 10% की बात ही नहीं करता हूँ, 2 या 5% भी हम लोग डाइवर्ट करें, जो हमारा टूरिस्ट आता है, तो आप देखिए कितना टूरिज़्म बूस्ट होगा। जहाँ टूरिज़्म डेस्टिनेशन होती हैं उनका, यार जो भी वहाँ पे सारे होते हैं उनको एक इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट मिलती है, पर यहाँ पे ऐसा ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज़ से प्रमोट ही नहीं कर प्रमोट। आप देखिए, जो टूरिस्ट आता है आज वैष्णो देवी माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं, उसके बाद लोग आजू बाजू कहीं रुकते नहीं, जम्मू में नहीं रुकते, जम्मू में रुकेगा नाइट से किस लिए करेगा, जब तक तो कोई डेस्टिनेशन या कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ करने के लिए नहीं होगा, क्यों रुकेगा बंदा। तो इसलिए हमारे को, जैसे आर्टिफिशियल लेक थी, अगर आर्टिफिशियल लेक बनी होती यहाँ पर तो एक डेस्टिनेशन थी, रुकता इंसान एक नाइट, डेफिनेटली रुकते, हम रोकते उनको कि एक चीज़ देखने के लिए, आप किस लिए रुकोगे। आज आपकी कटरा सीधा ट्रेन जा रही है, लोग कटरा जाते हैं, दर्शन करते हैं, या तो वापस आके फ्लाइट लेके निकल जाते हैं, अब तो रात फ्लाइट स्टार्ट हो गई। तो जो जब तक लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, तब तक इकॉनमी कैसे बूस्ट होगी। जैसे टूरिज्म सेक्टर हमारा एक बहुत बड़ी चेन है, आपके ऑटो वाले से लेके, टैक्सी वाले से लेके, आपके जो शिकारा वाले हैं, उसके बाद हाउस बोट्स वाले हैं, गाइड्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटल वाले, ये बड़ी लंबी चेन है। जहाँ पे एक सर्कल चलता है तो सबका सर्कल चलता है, उसी से फिर वो शॉप्स में जाते हैं, शॉप्स में दुकानें खरीद, सामान खरीदते हैं, ये सर्कल है। तो उस सर्कल के लिए हमारे को गवर्नमेंट क्या कर रही है, या तो नए सेक्टर्स बनाए, टूरिज्म सेक्टर जो हमने हमारे अपने अपनी एसोसिएशन से हमने काफ़ी इनपुट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट को कि ये चीज़ होनी चाहिए, सो दैट जम्मू का खासकर टूरिज़्म प्रमोट हो।
बट वही मैंने बोला विल नहीं है, सरकार की तरफ से विल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर डायरेक्टर साहब को हमारे जो आते हैं नए डायरेक्टर वो तीन या चार महीने मुश्किल से रहते हैं, तो उसमें क्या डायरेक्टोरेट टूरिज्म को संभालेंगे वो। जब तक एक इंसान उस कुर्सी पर रहेगा नहीं, जब तक वो सारा सिस्टम समझता है उसको बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है इसका हमें कारण आज तक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं तो ये सामने दिखता है कि विल ही नहीं है। और फिर ऐसे विदाउट इन्वॉल्विंग एनीवन स्टेक होल्डर आप कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी करो उसका क्या फ़ायदा। सर प्रमोशनल एक्टिविटी उस टाइम पे जब बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कौन आएगा वहाँ पर? बड़े आएंगे, बच्चों को छोड़ के आएंगे घर पे। और यहाँ पे भी कोई टूरिस्ट नहीं है, नवरात्रों में भी टूरिस्ट लोग आते हैं, माता जाते हैं, तो टूरिस्ट होता है, एक सीन होता है, टूरिस्ट होता है, तो छुट्टियाँ होती हैं तो लोग जा सकते थे। उसी को आपने बड़ा अच्छा बोला कि उसको उसके साथ प्रमोट करके कंबाइन करके एक अच्छा इवेंट हो सकता था और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता था तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होता ज़्यादा जाता। बट अफसोस है, मुझे लगता है अफसोस ही करना पड़ेगा शायद आने वाले टाइम तक। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू में टूरिज़्म को बढ़ावा प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, बढ़ावा दिया जाता है, इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर किए जाते हैं जब टूरिस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल, देखिए मैं आपको जाते जाते ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको हमको भी समझनी पड़ेगी। टूरिस्ट अगर टूरिज़्म को हमने खासकर इस खत्ते में बढ़ाना है तो हमको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने आज तक इतने साल अपने दे दिए हैं, इनपुट्स दिए हैं, सेक्टर्स डेवलप किए हैं, नए नए सेक्टर्स के बारे में बताया है, उनको आज आप इग्नोर कर रहे हैं। और वो बड़ा या ये कौन इनको एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है? जो मेन आपके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको इग्नोर ना कीजिए, आप उनको ऑन बोर्ड लीजिए, तभी हम इसको टूरिज़्म को एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन या जम्मू को बना सकते हैं, जो भी हमारे खित्ते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं सही तरीके से, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ चलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ अभय बकाया जी, जो कि टूरिज़्म फेडरेशन ऑफ जम्मू जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट है। और क्लियरली बोला इन्होंने कि टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है जम्मू में, लेकिन उसके लिए विल होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उस विल की कमी दिख रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्योंकि अब ऐसे टाइम पर ऐसा मानसून फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जब मानसून नहीं है, बच्चों के पेपर्स हैं, टूरिस्ट नहीं है, उसके अलावा मानसून फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का तुक बनता क्या है वो हमें भी समझ नहीं आया। चले ठीक है प्रमोट कर रहे हैं, बट किस चीज़ को? जब टूरिस्ट आएगा तब ये चीज़ें प्रमोट होंगी, तब हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस प्रमोट होंगी। साथ ही साथ आपकी एक और जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि जब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो डिवकॉम साहब हैं उनको पडोरा रोड जो है वहाँ से घुमा कर लाया गया, वहाँ से उन्हें वो उस डेस्टिनेशन पर पहुँचाया गया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्नी टॉप के जो सड़कें हैं, जो बाकी सड़कें हैं वहाँ पर उनकी सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, जगह जगह मिट्टी है, जगह जगह खड्डे हैं, और उस वजह से उनको वहाँ से घुमा कर लाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं नाकामी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कि हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप नहीं कर पाए। वैसे ही जैसे भद्रवाह को डेवलप नहीं किया, उसे साइडलाइन कर दिया, हमारी पीर पंजाल रेंज है उसे प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, उसे भी साइडलाइन कर दिया। उसके अलावा हमारी आर्टिफिशियल लेक बनने वाली थी जम्मू में, अभी तक कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आई है। हालांकि पिछले दिनों बरसात के दिनों में लोगों को टेम्पररी आर्टिफिशियल लेक मिली थी, लेकिन अभी तक मेन आर्टिफिशियल लेक जो है वो डेवलप नहीं हो पाई। उसके अलावा हमारी हेरिटेज है, हमारी मुबारक मंडी है, मुबारक मंडी हेरिटेज है हमारी, उसे प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, आप होटल बना रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन जो काफ़ी सा मैक्सिमम एरिया है वो वैसे का वैसा टूटा फूटा है। तो क्या दिखाएंगे हम अपने टूरिस्ट को? और टूरिस्ट आकर रुकेगा क्यों यहाँ पर? उसके अलावा बनी बसोली चले जाइए, इतनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विल की कमजोरी है, विल नहीं है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, हमारे जम्मू डिवीजन को प्रमोट किया जाए या इसे डेवलप किया जाए अच्छे तरीके से। अगर डेवलप अच्छे तरीके से किया जाता तो शायद जम्मू भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन मशहूर होता पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ना से कम नेशनल लेवल पर मशहूर होता। लेकिन वही जितनी सरकारें आज तक आई, चाहे पहले की कहूँ या आपकी कहूँ, हर किसी की नज़र सिर्फ कश्मीर पर जाकर अटकती है। हालांकि कश्मीर भी हमारा ही पार्ट है, कश्मीर हमारा कोई कश्मीर से दुश्मनी नहीं है, बट एटलीस्ट जम्मू को भी प्रमोट किया जाए, जम्मू को भी प्रॉपरली डेवलप किया जाए, अच्छे से डेवलप किया जाए।
और यही हमारी डिमांड है, यही हमारे टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू जो है वो भी डिमांड करती है, ताकि यहाँ पर भी टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जो लोग हैं वो भी कमा सकते हैं और रोजगार जो है रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार मिलेगा। आप देखिए टूरिस्ट, अगर ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे इसमें लोग लगेंगे और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी हमारा मुद्दा है वो भी सॉल्व होगा। तो लोगों को इसको सिर्फ उस तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा, एक बिग पिक्चर की तरह सोचें तो उससे सबका भला होगा। जी, तो कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि इस प्रकार से अगर इसको डेवलप किया जाए तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब जनरेशन भी होगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इकॉनमी जम्मू की बढ़ेगी। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है, कृपया करके जम्मू के बारे में सोचिए। कश्मीर अब बढ़ावा देने के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि कश्मीर को आप ऑलरेडी बढ़ावा दे चुके हैं। इसलिए अब वक्त है, आगे आइए, कदम आगे लीजिए और जम्मू को डेवलप कीजिए, जम्मू को प्रमोट कीजिए, जम्मू पूरे जम्मू डिवीज़न को, मैं खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से चलते चलते फिर दरख्वास्त, कृपया करके इस प्रकार के फेस्टिवल्स परफेक्ट टाइम पे जो है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ऐसे टाइम पे नहीं जब सब कुछ साइडलाइन हो गया हो। और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करके इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो हैं, इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जो है अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपनी राय। और साथ ही साथ जम्मू को किस प्रकार से बढ़ावा मिलना चाहिए, जम्मू के टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ावा मिलना चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपडेट्स के साथ आपके सामने साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।